हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवाई के बारे में जिसके अनगिनत फायदे हैं। 80 साल के बुजुर्ग की अपनाई हुई और अजमाई हुई ऐसी आयुर्वेद की दवाई के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस इंसान ने इस मेडिसिन, इस औषधि को अपनाया और उनको कभी भी लाइफ के अंदर डायबिटीज, जॉइंट पेन, ये तकलीफ कभी नहीं हुई। बीपी या फिर इम्यूनिटी का कमजोर होना, यहाँ तक कि ये कह सकते हैं जो वायरल फीवर या वायरल के कारण साइनस की समस्या हो जाती है या जुखाम, खांसी, ये समस्याएं भी कोसों दूर रही, लेकिन उन्होंने इसका नियम से पालन किया। तो आज मैं आपको उसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये इसीलिए अजमाई गई क्योंकि ये कारगर है। इसके साथ साथ उन्होंने योगासन भी किए, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, ये आयुर्वेद की औषधि का नाम है गिलोय। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में गिलोय कभी नहीं छोड़ी, यानी कि गिलोय जिसे अमृता कहा जाता है उसका सेवन करते ही रहे। दोस्तों, गिलोय के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये एक चमत्कारी दवाई है। इसके अंदर एंटी डायबिटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, यानी कि डायबिटीज तो ये जिंदगी में होने ही नहीं देती। जो भी इंसान गिलोय का सेवन करता है उसे जिंदगी में कभी डायबिटीज नहीं हो सकती। सेवन करने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, साथ में योगासन भी बताऊं जो मैंने आपको बोले हैं। दोस्तों, ये जो गिलोय होती है ना, अगर नीम के ऊपर चढ़ी होती है, यानी बेल के टाइप की होती है ना, अगर नीम के ऊपर चढ़ी गिलोय का सेवन अगर आप करते हैं तो ये डायबिटीज वालों के लिए सबसे उत्तम है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी इंसान के जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में इतना दर्द होता है चलने में, फिरने में या फिर हाथों को हिलाने में तकलीफ होती है, दोस्तों ये उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। गिलोय का रस पीना आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर युवा हैं, वो भी इसका सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, ये गिलोय जो है ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है, यानी कि खून के फ्लो को शरीर के अंदर सही करती है। नसों में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज, कोई कमजोरी नहीं आने देती। कभी कभी नसों में कमजोरी के कारण मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन सी रहने लगती है, तो ये समस्या भी दूर कर देती है। दोस्तों, गिलोय का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वात, पित्त, कफ तीनों चीजों को बैलेंस करती है। वात के कारण होने वाला नसों में ब्लॉकेज और जोड़ों में दर्द, क्योंकि वात के कारण ही तो नसों में ब्लॉकेज आती है। नसों में ब्लॉकेज और वात के जितने भी रोग हैं, मांसपेशियों में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों का दर्द, ये गिलोय जो है वो दूर कर देती है। पित्त के कारण अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये समस्या भी दूर हो जाती है गिलोय का नियमित सेवन करने से। और कफ के जितने भी रोग हैं, खांसी, जुखाम, रेस्पिरेटिव सिस्टम डिस्टर्ब होना, सांस लेने में तकलीफ होना, तो ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इसका सेवन कैसे करना है। आपने गिलोय की बेल देखी होगी, आपके आसपास होगी, आपके घर में होगी। दोस्तों, उसका 4 से 5 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, उसे किसी भी भारी चीज से कूट लीजिए, पानी में उबाल लीजिए और ये जो पानी तैयार हुआ है इसका सेवन आपने खाली पेट दिन में कभी भी कर लीजिए। वैसे तो इसका सेवन सुबह खाली पेट किया जाता है, लेकिन दिन में भी अगर खाली पेट कभी भी कर लिया जाए तो फायदा ही करता है, किसी टाइप का कोई नुकसान नहीं करता। यानी इतने फायदे हैं, पूरी जिंदगी आप इसका सेवन कर लीजिए, आप सारी की सारी बीमारियों से बचे ही रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं वो योगासन की जो 80 साल के बुजुर्ग ने किए और गिलोय का सेवन किया और हमेशा तंदुरुस्ती रहे। दोस्तों, सबसे पहला है कपालभाति प्राणायाम। प्राणायाम है, सिर्फ 2 प्राणायाम ही उन्होंने किए हैं, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम। ये दोनों के दोनों जब आप करते हैं तो जो कपालभाति प्राणायाम है ये हमारे पेट की सारी मूवमेंट को सही करता है, हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को सही करता है, जैसे कि किडनी है, लीवर है, पेनक्रियास है, हमारी आंतें हैं, इसको ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा जो अनुलोम विलोम है दोस्तों, वो हमारी नसों के जितने भी रोग हैं उनको ठीक करता है, यानी कि नसों की ब्लॉकेज नहीं आने देता। इसके अलावा अनुलोम विलोम के बारे में तो ये कहा जाता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है, यानी कि नाड़ियों को साफ करता है, शोधता है, तो इसका इस्तेमाल आप भी जरूर करिए। इसके अलावा उन्होंने कोई प्राणायाम और नहीं किया, पर उन्होंने कपालभाति और अनुलोम विलोम नियम से किया और हमेशा स्वस्थ रहे। दोस्तों, आज की ये जानकारी बस यहीं तक है। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।